हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर और मैं हूँ तृष्णा। तो चलिए हम लोग क्लास ट्वेल्थ का पी ब्लॉक यानी कि चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे थे और उसमें अभी तक हम लोग अपने 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर है 6, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन फैमिली, पिछले लेक्चर नंबर 5 में भी हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली ही कवर करी थी, कुछ पार्ट बच गया उसको, अब हम लोग उसको यहाँ कवर करेंगे। ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट, पी ब्लॉक स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग एनसीईआरटी। और जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं प्लीज लेक्चर को सीक्वेंस में देखना, और सीक्वेंस में अगर नहीं भी देख रहे हैं तो जो टॉपिक मैं करा रहा हूं उसको एनसीईआरटी लेके बैठना। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी में? सल्फर के कुछ एलोट्रॉप्स दे रखे हैं, कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं सल्फर के, बट मेनली हमारे पास दो हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, जिनको हमको डिस्कस करना है। देन सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बारे में, इसकी प्रिपरेशन, कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ यूजेस हम लोग देखेंगे। फिर आता है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास जिसको हम देखेंगे। देन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सब लोग वाकिफ हैं इसे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलो एनसीईआरटी को हाथ में ले लो, पेन ले लो, और जो जो क्वेश्चन मैं यहां कराता जा रहा हूं या तो उनको नोट करते चलें या एनसीईआरटी में टिक करते चलें। तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर हेडिंग ही हमारे पास सल्फर, और उसके नीचे हेडिंग होगी एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। तो देखते हैं यहां पर क्या बातें हो रही हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर के बारे में। अगर ये पेज छोटा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ओके, क्या कह रहा है नेम टू, सबसे बेसिक सवाल ये तो पता ही होना चाहिए, नेम टू एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के दो एलोट्रॉप्स बताओ। सबको पता है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, कुछ और भी बता रहा है। कह रहा है सल्फर फॉर्म्स न्यूमरस एलोट्रॉप्स, सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। पहली बात, अगर क्वेश्चन आता है क्या सल्फर के सिर्फ दो ही एलोट्रॉप्स हैं, तो नहीं, सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दो होते हैं, कौन कौन से हैं, येलो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर, ठीक है ना, येलो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, या सिंपल हम कह सकते हैं रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ये जो मोनोक्लिनिक होता है अभी हम देखेंगे कलरलेस होता है, तो इसलिए हम इसका कोई कलर डिस्कस नहीं है। ये हमारा अल्फा है, दिस इज नॉट ए, दिस इज अल्फा सल्फर, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं अल्फा सल्फर, एंड दिस इज योर बीटा सल्फर। तो दोनों नाम से हमको इसको याद रखना है कि जो येलो रोम्बिक है उसी को हम लोग अल्फा सल्फर कहते हैं, और जो मोनोक्लिनिक है उसी को हम लोग बीटा सल्फर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एलोट्रॉप ऑफ सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पता है ना कितना होता है, रूम टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड या कितना आ जाएगा 298 केल्विन। पूछ सकता है विच एलोट्रॉप ऑफ सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, नहीं बोलेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोल देगा, जैसे ही टेम्परेचर का जिक्र कर देगा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो ध्यान रखो यहां पे जो अल्फा बीटा से कौन है, तो यहां पर हमारे पास आंसर है रोम्बिक सल्फर, यानी कि रोम्बिक का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा सल्फर हमारे पास यहां पर क्या है, स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। ये जो अल्फा सल्फर है, अल्फा सल्फर था रोम्बिक वाला, अगर इसको मैं हीट कर दूं, देखो 298 है, 370 के ऊपर, यानी कि एक्चुअली 369, उसके बाद जैसे 370 पे इसको मैं हीट करूंगा ये तुरंत रोम्बिक वाला कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मोनोक्लिनिक में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है अगर मैं रोम्बिक सल्फर को हीट कर दूं। सेम इसके साथ भी है, अगर मोनोक्लिनिक को मैं कहां लेके आ जाऊं, बिलो 370 लेके आ जाऊं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रोम्बिक सल्फर में। बात समझ में आ रही है? और इसी टेम्परेचर को लेकर के एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। ट्रांजिशन टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, ट्रांजिशन टेम्परेचर मतलब है किस टेम्परेचर पे ये बदल जाते हैं। तो अभी हमने देखा था, तो वो टेम्परेचर कितना आता है 369, जैसे ही इसके ऊपर बढ़े हम लोग 370 या इसके नीचे गए हम लोग 368, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि इसके नीचे ये क्या है, अल्फा है,
और इसके ऊपर क्या है, ये मोनोक्लिनिक है यानी कि बीटा है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या आ गया, 369 डिग्री, ओ सॉरी डिग्री नहीं, केल्विन में आ गया। ये आते हैं वापस हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा एंड बीटा सल्फ्योर। काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग इसको करते नहीं है। एनसीईआरटी में देखो इसके बारे में क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, हम समझते हैं इसको थोड़ा सा। एनसीईआरटी में इसमें हमको क्या क्या पॉइंट दे दिए, तो देखो अल्फा सल्फर या इसी को हम रोम्बिक सल्फर भी कहते हैं, बीटा सल्फर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्लिनिक सल्फर भी कहते हैं। ओके, ये येलो इन कलर है, दिस इज कलरलेस। ओके, मेल्टिंग पॉइंट 385, ये 393, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 का डिफरेंस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06, 1.98। ओके, ये जो दो पॉइंट थे ये एक बार अगर याद ना भी रहे, बट अब जो पॉइंट करेंगे वो याद रखना बहुत जरूरी है। इट इज फॉर्म्ड बाय एवोपरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2। रोल सल्फर, अरे रोल सल्फर कुछ नहीं होता है, सल्फर को रोल्स करके ना उसके रॉड टाइप के वो बना दिए जाते हैं। जब सल्फर हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो किस फॉर्म में स्टोरेज करें, ठीक है ना, तो उसको रोल बना लेते हैं हम लोग। तो जो रोल सल्फर होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एवोपरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डाल करके सॉल्यूशन बना करके हम उसको क्या कर रहे हैं, एवोपरेट करा रहे हैं, ठीक है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट समवट इन बेंजीन। वाटर में तो क्या है, इनसॉल्युबल है, बट कुछ हद तक कहां पे सॉल्युबल है, ये बेंजीन में सॉल्युबल है। रेडिली सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये तो हम यहां से पता लगा सकते हैं कि जब हम इसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व करके बना रहे हैं, डिजोल्व करके एवोपरेट करा रहे हैं, इसका मतलब ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। ओके, इट इज स्टेबल बिलो 369, अभी बात की हमने, स्टेबल बिलो 369, ये देखो मैंने बताया था 369 नीचे क्या है, स्टेबल है। 369 के नीचे क्या है, स्टेबल है, टिका रहता है जैसा है। इट इज S8 मॉलिक्यूल, ये S8 फॉर्म में रहता है, यानी कि 8 सल्फर मिल करके रोम्बिक बनाते हैं। रिंग शेप इज पुकर्ड एंड क्राउन शेप। पुकर्ड का मतलब होता है, एक तुम गोल रिंग ले लो, ठीक है, एक तुम क्या ले लो, गोल रिंग ले लो। अब इस रिंग को पिचका दो जगह जगह से, है ना, इस रिंग को ऐसे 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 कर दो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज द पुकर्ड रिंग, दिस इज द पुकर्ड रिंग। और इसको पुकर्ड होने के बाद जो शेप निकल के आता है ना, क्राउन शेप का, जैसे एक रानी का मुकुट होता है ऐसा क्राउन शेप का निकल के आता है। इसकी बात करें, कलरलेस है, मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 है। ओके, यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, क्या बोल रहा है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर, इसको ही मेल्ट करा रहा है। इन डिश, एक बर्तन ले लिया उसमें इसको मेल्ट करा लिया, एंड कूलिंग टिल क्रस्ट इज फॉर्म। मेल्ट करने के बाद क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब क्या होता है, एक वर्ड सुना होगा, अर्थ क्रस्ट, सबसे ऊपर की सरफेस, पपड़ी जन्ना जमना जब शुरू हो जाती है, जब क्रस्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तब तक हम उसे कूल करते हैं। ऑन रिमूविंग क्रस्ट, क्रस्ट को हम रिमूव करें, कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल्स आर फॉर्म। जब हम उसको रिमूव करते हैं तो क्या बन चुके होते हैं, कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल्स आर फॉर्म। कैसे हैं ये, कलरलेस हैं, कैसे हैं ये, कलरलेस हैं, बात समझ में आ रही है। ओके, ये येलो, ये कलरलेस, ठीक है ना, इसको एवोपरेट कराकर, इसको मेल्ट कराकर, क्लियर हो गया। इनसॉल्युबल, अगेन दिस इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। रेडिली सॉल्युबल इन टॉलविन एंड CH2। CH2 देखो कॉमन हो गया, रेडिली तुरंत, टॉलविन के अंदर, CH2 के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। स्टेबल अबव, अभी देखा था हमने 369 के ऊपर, यहां पर कौन स्टेबल रहता है, ये मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर। देन इट इज ऑल्सो एसेट मॉलिक्यूल, ये भी क्या है, एसेट मॉलिक्यूल है। रिंग इज पुकर्ड एंड क्राउन शेप, इसके लिए भी जो रिंग होता है वो कैसा है, पुकर्ड और क्राउन शेप है। बच्चों एक चीज का ध्यान रखो, अब एक्चुअली क्या है, इसमें क्वेश्चन आएगा कैसे, बच्चे कई बार ये सवाल करते हैं, सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा आता है, वो कह देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अल्फा एंड बीटा सल्फर, नॉट ट्रू फॉर, ठीक है। तो पहली बात बोलेगा इट इज एसेट मॉलिक्यूल, ठीक, दोनों एसेट हैं, ठीक है ना, पुकर शेप, दोनों पुकर शेप हैं, क्राउन शेप, दोनों क्राउन शेप है। एक कोई अलग से बोल देगा, ठीक है, एक बोल देगा कि सपोज इट इज येलो, येलो कलर नहीं बोलेगा, जैसे कि बोल देगा कोई, एक येलो कलर बोल देगा, येलो कलर भी बोल देता है तो एक के लिए ट्रू है, दूसरे के लिए ट्रू
नहीं है। तो यहां पे बोध की बात कर रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अब डिफरेंस करने को तो नहीं आएगा ऑब्वियसली बात है, तो सारे पॉइंट पता होने चाहिए कौन सा पॉइंट किसके अंदर मौजूद है। क्लियर हो गया? व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको हम लोगों ने देखा ही अभी। तो यहां पर नीचे कौन सा रहेगा हमारे पास, अल्फा सल्फर जिसको हम रोम्बिक भी कहते हैं, और यहां कौन सा रहेगा बीटा सल्फर जिसको हम लोग मोनोक्लिनिक भी कहते हैं। सवाल कर रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन S8 एंड S6। देखो दोनों ही साइक्लो कंपाउंड है, कुछ सल्फर मॉलिक्यूल S6 के फॉर्म में रहते हैं और कुछ S8 के फॉर्म में रहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस समझ लो, दोनों के दोनों पुकड़ हैं। पुकड़ का मतलब समझ में आ चुका है, ये क्राउन शेप है, इसका शेप देखो कैसा है क्राउन, और ये कैसा शेप लेता है चेयर शेप ले लेता है। NCERT में डायग्राम दे रखा है, क्राउन शेप का डायग्राम कुछ इस टाइप से दे रखा है, ठीक है ना, और चेयर शेप में कुछ डायग्राम ऐसे करके दे रखा है, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहां 6 हो गए और यहां कितने होते हैं 8। क्राउन शेप में कैसा और रहता है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, सही से बना देता हूं मैं, इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस टाइप से क्या है 8 सल्फर होते हैं, इसमें कितने 6 सल्फर हैं। बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू सल्फर, अच्छा यहां पर जब बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है तो हम लोग बात करें बॉन्ड लेंथ, कौन से बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, तो यहां पर एक्चुअली अगर हम गौर से देखेंगे तो हम लोग NCERT में तो इस टाइप से डायग्राम है, तो अब थोड़ा सा अच्छा सा बनाना पड़ेगा ताकि चीजें समझ में आए। तो ये बॉन्ड लेंथ है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ है उसकी बात हो रही है। यहां पर जो है बॉन्ड लेंथ हमारे पास ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना, जो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ है उसकी बात हो रही है हमारे पास। जो बॉन्ड लेंथ है वो लार्जेस्ट एंगल 102 का है, यहां पे लार्जेस्ट एंगल कितना है 107 डिग्री का है। अब कह रहा है व्हाट टेम्परेचर H2 सल्फर H2 की फॉर्म में कब एग्जिस्ट करेगा। जनरली सल्फर रूम टेम्परेचर में किस पे एग्जिस्ट कर रहा था, S8 की फॉर्म में, अभी हमने देखा था S8 की फॉर्म जो कि कौन सी थी, रोम्बिक थी, रोम्बिक अल्फा सल्फर S8 रूम टेम्परेचर, रोम्बिक अल्फा सल्फर S8 रूम टेम्परेचर। तो H2 की फॉर्म में कब एग्जिस्ट करता है, और H2 की जो फॉर्म होती है वो पैरामैग्नेटिक क्यों है, वो पैरामैग्नेटिक क्यों है। तो पैरामैग्नेटिक का तो सवाल तुम लोग समझ गए होगे, कह भी रहा है 1000 केल्विन के पास जब चले जाते हैं लगभग तो होता है क्या, S8 टूट करके H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है। और पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, बिकॉज ऑफ बेसिक सा रीजन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में, वैलेंशियल ऑर्बिटल्स में, तो फिर क्या हो जाएगा, वो डायमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है ना। और यहां पे भी जो पैरा और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लेकर के समझाया गया है। जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं पता है वो इसको जस्ट एज इट इज याद कर लें, ये लोक नहीं है, ये लाइक है, लाइक O2, O2 का जिक्र भी हमने किया था, वो भी क्या था, पैरामैग्नेटिक था, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पाए जा रहे थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई के ऊपर पाए जाते हैं, किसके ऊपर पाए जाते हैं, पाई के ऊपर। खैर जिनको पता है उनको बातें समझ में आ रही होंगी, स्टार रहता है यहां पर, ठीक है ना। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, O2 में भी और H2 के अंदर भी, इसीलिए ये क्या है मेरे पास, पैरा मैग्नेटिक है। नेक्स्ट, तो वो हमारे पास एलोट्रॉप्स को लेकर के कुछ बातें थी जो कि खत्म हो जाती हैं। अब अगर NCERT में तुम उठाओगे तो अगला टॉपिक तुमको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड का, किसका टॉपिक मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो चलो सल्फर डाइऑक्साइड है तो सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड की हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन, ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं ना कि कोई चीज बनती कैसे है, यही जानेंगे सबसे पहले कोई चीज बनती कैसे, जब बन गई तो उसकी प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जब वो पता चल गया फिर क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी क्या रिएक्ट करेगी, क्या देगी क्या नहीं देगी, फिर उसका क्या यूज हो सकता है, कॉमन सी बात है। तो यही इसीलिए हम लोग इसी सिक्वेंस में पढ़ते ही है। कह रहा है अच्छा इसकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन की फॉर्मेट में तोड़ दिया है, व्हाट विल हैपन व्हेन सल्फाइड यानी कि SO3 की फॉर्म क्या कहलाती है, सल्फाइड कहलाती है, ठीक है ना।
एक होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक और ये SO3। तो अगेन रहेगा वही जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा कंप्लीट कर दूं तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा H2SO3 और प्लस H2SO4। तो हुआ क्या है, यहां पर हुआ कुछ नहीं है, यहां से ये दो एच दिखाए जा रहे हैं, यहां से इन दो एच को हटा दिया और केवल ये दिखाया जा रहा है, दिस इज सल्फाइड और ये एच प्लस कहां से आ गए सल्फ्यूरिक एसिड से आ गए। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे हमको क्या मिल रहा है कि जो एच है, अच्छा ये मैंने बैलेंस नहीं किया, फिर बता रहा हूं ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं, ताकि याद रख सके हम लोग, सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलके क्या दे देंगे वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, यही तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं भैया, यही तो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फाइड मिलकर के सल्फाइड H2SO3 दोनों मिलकर के क्या देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, याद रखना। देखो अब क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं ये गैस पानी दोनों साथ में बन रहा है, तो गैस थोड़ी सी क्या हो जाएगी गीली हो जाएगी ना, गैस के अंदर मॉइस्चर आ जाता है। तो द गैस आफ्टर ड्राइंग, उसको हम सुखा लेते हैं पहले, देन लिक्विफाई, उसको सुखाने के बाद हम लोग हाई प्रेशर में ना उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, लिक्विफाई कर लिया है अंडर प्रेशर एंड स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर। ठीक है, जनरल सी बात थी, गैस को सुखाना पड़ता है क्योंकि यहाँ साथ में लिक्विड भी है, लिक्विड के साथ निकलती है गैस हल्की सी मॉइस्ट हो जाती है। तो मॉइस्ट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय रोस्टिंग सल्फाइड ओर, अगेन एक नया तरीका, उसको क्वेश्चन की फॉर्मेट तोड़ा मैंने, सल्फाइड ओर आयरन सल्फाइड, सल्फाइड के जो ओर है उससे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर जो हमारा आएगा अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वगैरह, वहां पे भी थोड़ा बहुत ये चीजें मिल जाएंगी तुमको, बट वो अभी सेकंड टर्म में है तो कोई बात नहीं। आयरन सल्फाइड, मैं फिर कह रहा हूं केवल अभी इतना याद रखो, आयरन सल्फाइड सॉलिड फॉर्म में है, हमने उसको क्या कर दिया हीट किया ऑक्सीजन के साथ जलाया, ये ऑक्सीडाइज कर गया Fe2O3 फेरिक बन गया ये, ठीक है ना, और यहां पर मेरे पास क्या बन गया SO2 गैस निकल के बाहर आ गई। तो सल्फाइड सोर, दो बातें ध्यान रखोगे हम लोग कहां कहां से बना सकते हैं, एक सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं और सल्फाइड ओर से बना सकते हैं। क्वेश्चन कंबाइन करके दे सकता है कि अभी जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सल्फाइड, सेकंड पॉइंट वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सल्फाइड, थर्ड पॉइंट वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सल्फाइड एंड सल्फाइड, थर्ड पॉइंट नन ऑफ दिस। अब नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, यानी कि थर्ड वाला पॉइंट आ जाएगा, हम लोग सल्फाइड और सल्फाइड दोनों से क्या मिल जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमको मिल जाती है। बात समझ में आ गई, अगेन जो गैस मिलेगी उसको हम लोग क्या करेंगे ड्राई करेंगे, यहां पे सुखाएंगे उसे, लिक्विफाई करेंगे और स्टोर कर देंगे स्टील सिलेंडर में। तो सल्फर डाइऑक्साइड की दो टाइप से प्रिपरेशन है, सल्फाइड और सल्फाइड ओर से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दो ही प्रिपरेशन थी, अब हमारे पास क्या आ जाता है प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास। प्रॉपर्टीज में पहली बात क्या करना चाह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू H2O, आल्सो गिव द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो यहां पर सिंपल सी बात है, ये सीधा हम लोग कह सकते हैं दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, रिएक्शन की बात कर रहा है। जैसे कि अगर हम यहां देखें उल्टा कर लें इसे, ये क्या था है ना SO2 और लिक्विड इसको मिला दें तो वापस से क्या बन जाएगा, दिस इज क्या बन रहा है मेरे को सल्फाइड बन रहा है। तो यहां पर इसी रिएक्शन को पलटा दो, ठीक है, जैसे हम इसको पलटाएंगे पलट गए रिएक्शन, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर क्या बना रहा है ये सल्फाइड बना रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, सल्फ्यूरस H2SO4 सल्फ्यूरिक H2SO3 सल्फ्यूरस, बात समझ में आ रही है। तो ये हमको क्या दे देता है सल्फ्यूरस एसिड दे देता है, ओके। अब वो कह रहा है क्या होगा जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन के साथ और सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ हम लोग क्या करेंगे ट्रीट कराएंगे। तो अब देखें ये हमको क्या दे देगा, तो जैसे हम बात कर रहे थे, देखो यहां पर जो है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस और क्लोरीन गैस, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करती है चारकोल यहां पर एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, कैसे बिहेव कर रहा है एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है, और ये हमको क्या देता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2 और Cl2, ये हमको क्या दे दे रहा है सल्फ्यूरिल क्लोराइड दे दे रहा है SO2 और Cl2।
देन SO2 को ऑक्सीजन क्या कर देती है, ऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर देती है। ये क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, अगेन दिस इज ऑल्सो अ कैटलिस्ट, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और यहां हमको मिल जाता है SO3। तो ध्यान रखना यहां हमको क्या मिल रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या है ये हमारे पास, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ SO2 गैस, कहीं पर अगर SO2 गैस मौजूद है तो उसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा तुम्हें SO2 plus MnO4 plus 2H2O arrow और आगे fill in the blanks, complete करो, चार ऑप्शन दे रखे होंगे, ऐसे भी दे सकता है। तो ध्यान रखो होता क्या है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ये पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज द KmnO4, पूरा लिखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, KmnO4, KmnO4, दिस इज द पोटेशियम परमैंगनेट, और पानी रहेगा यहां पर, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन रहता है। तो यहां पर हमको क्या मिल जाता है, दिस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये जो है मेरे पास KmnO4, ये मेरे पास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है ये, ठीक है ना। और यहां पर देखो क्या हो जाता है, ये मेरे पास किस कलर का होता है, पक्का ही पता होगा, KmnO4 कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है, और ये कैसा हो जाता है आगे जाकर के, क्योंकि ब्रेक कर गया है तो ये मेरे पास कैसा हो जाता है, डी कलराइज हो जाता है। तो सीधी सी बात बता रहा है, वेन मॉइस्ट SO2, SO2 कैसा होगा, मॉइस्ट, पानी मौजूद होगा, बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। यहां पर देखो MnO4 4 × 8 - 1, तो यहां कितना है इसका, प्लस का 7, और यहां कितना आ गया, प्लस का 2, तो इसको रिड्यूस कर दे रहा है। इज पास फ्रॉम द एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड, ठीक है ना, सोल्यूशन में थोड़ा सा एसिड डाल दिया है और उसके अंदर से हम लोग इसको क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं किसको, SO2 गैस को, सोल्यूशन इट डीकलराइज, कैसा हो जाता है, डीकलराइज, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो KmnO4 पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन जो मेरा होता है एसिडिफाइड, वो कैसा हो जाता है, डीकलराइज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डीकलराइज। क्लियर होगी बातें, चलो देखते हैं नेक्स्ट 13, क्या कह रहा है 13, इसको भी देख लेते हैं, कह रहा है गिव द रिएक्शन ऑफ SO2 शोइंग दैट इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, बट अब इस समय लिखने को नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ये वाली रिएक्शन भी हो सकती है और ये वाली रिएक्शन भी हो सकती है। रिड्यूसिंग एजेंट कितना है यहां पर, प्लस 3, कितना हो गया, प्लस 2, रिड्यूस कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये रिएक्शन भी क्या दिखाती है कि सल्फर डाइऑक्साइड किस तरह से बिहेव करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बिहेव करता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। इसका तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या बना हुआ है, एक टेबल सा दे रखा है एनसीईआरटी में, 3-4 डायग्राम है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। देखो स्ट्रक्चर बनाने का मैं तरीका सिखा दूं, जैसे मेरे पास क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है, एस सेंटर में है, एस बना लो और एक डबल बॉन्ड ओ को जोड़ लो, पहला काम, एस के साथ एक डबल बॉन्ड ओ को जोड़ लिया, मैं ये वाला बना रहा हूं अभी, ठीक है ना, H2SO3। बाकी बचे H, H को OH से कवर अप करो, OH और OH, क्या बच रहा है, कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो दोनों H भी कवर हो गए और मेरे पास 3 O थे, वो भी क्या हो गए, कवर अप हो गए। ओके, नेक्स्ट आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे, अगेन जो मैंने बताया दिस इज H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन एक ओ तो डबल बॉन्ड जोड़ना ही जोड़ना है, बचेगा नहीं वो, फिर दो एच कवर करने हैं, एच कवर होंगे ओ एच के साथ, एच सिंगल नहीं लगा देना, ओ एच और ओ एच, एक ओ बच गया, उसको पक्के से वो क्या लगेगा, डबल बॉन्ड ओ के साथ ही लगने वाला है वो, बात समझ में आ रही है, वो भी किसके साथ लगने वाला है, डबल बॉन्ड ओ के साथ लगने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। तो आओ देखें यहां पर क्या है हमारे पास, H2S2O6। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक एस, ठीक है, अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगा देता हूं, देखो यहां पे H ना मेरे पास दो ही है, O मेरे पास 6 है, तो यहां पर और क्या है, ये
पर ऑक्सो, पर ऑक्सो का मतलब डेफिनेटली यहां पर एक तो ऐसा लिंकेज मिलने वाला है, पर ऑक्सो का मतलब ओ सिंगल बॉन्ड ओ मिलने वाला है, यानी कि एक फिर एस यहां पे होने वाला है, तो ये बन गया मेरा इतना लिंकेज। चार ओ कवर होते दिख रहे हैं मेरे को, दो एस कवर हो गए, बाकी हम लोग कवर करते हैं ओ एच। अच्छा एच को अब बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, एच को अब हमको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक उधर लगा दिया एक उधर लगा दिया, तो एक दो तीन चार पांच और एक ये छह, तो मैं देख सकता हूं यहां पर मेरे पास क्या हो गया है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है एटोमेटिक से अपने आप से क्या हो गया है, कवर हो गया है। बात समझ में आ रही है? ओके, यहां छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका जो फॉर्मूला होता है H2S2O6 ना होकर के ये है मेरे पास H2S2O8 है। क्या है? H2S2O8 है। ओके, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था कि ये फॉर्मूला इस तरह से तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं हमारे पास, तो ठीक है H2S2O8 अभी भी वही चलेंगे हमारे पास। कितना कवर हो गया? एक दो तीन चार पांच और छह, छह कवर हो गए, दो बचे हैं सात और आठ, तो ये रहा सातवां और ये रहा आठवां, बन गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं मैं, ध्यान रखना क्या सिखा रहा हूं, स्ट्रक्चर को बनाना सिखा रहा हूं। देख लो इसको एक बार अच्छे से कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से कवर कर रखा है, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है क्या, ऑयलियम। ऑयलियम यानी कि अगेन यहां पर क्या है, दो एस है तो डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ। अच्छा अब एस डायरेक्ट जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे चेक कर लेते हैं, बाकी बचा एक ओ एच यहां, एक ओ एच यहां। अगर मैं एक एक डबल बॉन्ड ओ यहां पे लगा भी देता हूं, लेट देखो सोचेंगे कैसे, मैं उसके बाद बता रहा हूं, एक यहां पे भी लगा दिया और एक और एक यहां पे भी हम लोगों ने लगा दिया, तो देखो कितने एच कवर हो रहे हैं, एच दो कवर हो गए, एक दो तीन, तीन तीन छह, ठीक है। तो अब यहां पे सिंपल हो जाएगा मेरे पास, मैं एक ओ एच लगा दूंगा, तो मेरे पास ये क्या बन गया, मेरे पास मेरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कि स्ट्रक्चर को कैसे समझना है? अब ये किस तरफ कैसे है, मेन चीज है कि इस फॉर्मूले को देख करके स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये चीज हमको मेनली समझनी थी और सीखनी थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 ऑक्सो एसिड का इतना ही टॉपिक है, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं है, यहां पे हमको स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ओके, अच्छा यहां पे हम लोग एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए ऑक्सीडेशन नंबर का, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर सिंपल है, जितने बॉन्ड है ना, और ये बॉन्ड डायरेक्ट ओ से कनेक्ट हो रखे थे, ओ यहां से क्या यहां पर होगा कितना है माइनस का टू, इसकी वजह से कितना हो गया प्लस का टू, यहां से प्लस का वन आएगा, यहां से प्लस का वन आएगा, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया प्लस का फोर। तो यहां देख लेते हैं एक दो तीन चार पांच छह, यहां कितना हो जाएगा प्लस का सिक्स, एक दो तीन चार पांच छह, यहां पर कितना हो गया प्लस का सिक्स, इस वाले ऊपर माइनस का वन, इस वाले ऊपर माइनस का वन, इसीलिए माइनस वन होने की वजह से दिस इज परऑक्सो, परऑक्सी लिंकेज कहलाता है ये। अगेन एक दो तीन चार पांच छह, इसके ऊपर भी प्लस का सिक्स और इसके ऊपर भी प्लस का सिक्स आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ऑक्सीजन नंबर पूछ लेता है तो वो भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये टॉपिक था हमारे पास। ओके, इसके बारे में हो गया, ऑक्सो एसिड हो गए, अब हमारे पास टॉपिक है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी प्रिपरेशन, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, बहुत ज्यादा संभावना है, और यहां से नहीं आता है तो बहुत सा बच्चा इसको याद करके रट के जाता है, उसके बाद जब क्वेश्चन यहां से नहीं आता है तो फिर वो भी बच्चे का बैड लक हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ना है इसको, तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होंगे। आओ देखते हैं कैसे। कह रहा है हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड, तो हम सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या होती है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बिल्कुल दिमाग में डाल के याद रख लेना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है, तीन स्टेप की प्रोसेस है, और यहां से हमको लगभग 96-98% जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो प्योर फॉर्म में मिल जाती है। बात समझ में आ गई? पहला स्टेप क्या है, बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फाइड ओर इन एयर टू जनरेट SO2। सबसे पहले स्टेप में कुछ नहीं करना हमें, सल्फर को आग लगा दो, सल्फर को बर्न करा दो, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी, और या उसका जो सल्फाइड ओर है
जो सल्फाइड ओर से हमने पीछे सल्फर डाइऑक्साइड बनाई थी, हमको क्या चाहिए, SO2 चाहिए, हमको SO2 मिल गई। क्लियर होगी बात। स्टेप टू देखो लिखा हुआ है, दिस इज अ की स्टेप, क्वेश्चन आता है दिस इज अ की स्टेप, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3, ठीक है ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये भी क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग SO2 का SO3 में, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दिस इज योर SO3, क्या है ये SO3, ठीक है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी हम कर चुके हैं पीछे रिएक्शन में, तो दोनों दिमाग में सेट हो गए, पहला वाला इसकी भी रिएक्शन लिख सकते हैं सल्फाइड और वाली, या कोई सल्फर को ऑक्सीडाइज करा दो डायरेक्टली, या सल्फाइड और FeS2 वाली जो रिएक्शन थी वो लिख सकते हैं यहां पर। यहां पे हम लोगों ने ये रिएक्शन पीछे लिख ली है, अब ये याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ इतना ध्यान रखना दिस इज एन एक्सोथर्मिक, कैसी रिएक्शन है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो क्या कह रहा है स्टेप टू के बारे में, तो की स्टेप है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ओके यहां पे बोल दिया है, एंड रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होती है, देयरफॉर लो टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर फेवरेबल कंडीशन, पूछता है सवाल ये, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो क्या क्या है फेवरेबल कंडीशन, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, सॉरी लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एक जगह क्या एल टी एच पी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ध्यान है ये कहाँ पढ़ा है, क्लास 11 पढ़ी थी, नहीं पढ़ी होगी, खैर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में हम लोगों ने टर्म पढ़ा था लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर क्या होता है, खैर तो एल टी एच पी से हम लोग इसे याद रख सकते हैं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए। प्रैक्टिकली लो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल जीरो डिग्री कर दो, लो टेम्परेचर लगभग 720 के आसपास है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं करना है, और दो बार का प्रेशर रहता है लगभग लगभग। तीसरा स्टेप देखो यहां पर क्या हो रहा है, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, ये जो SO3 बन गई है इसको एब्जॉर्ब कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, और ये H2SO4 है ना ये किस में बदल जाता है, ऑयलियम में बदल जाता है, किस में बदल जाएगा, ऑयलियम में, SO3 को एब्जॉर्ब कराएंगे ऑयलियम बदलेगा। अब सवाल ये, बना तो H2SO4 ही रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड तो बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है, H2SO4, जब यही बना रहे हैं तो इसमें क्यों डाल रहे हैं, तो भाई देखो ऐसी बात है, ये है कंसंट्रेटेड फॉर्म, इसमें जब हम इसको डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और कुछ बड़ा हुआ वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड में, लिया था थोड़ा, इमेजिन करो 2 ml लिया था, हो गया 10 ml, अब जब इसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं ना पानी डाल करके, तो वो H2SO4 देता, सोचो 2 ml से हमने 10 ml बना लिया, ऐसे सोचो, तो क्या हो गया, उसको जब डाइल्यूट करेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलता है, H2SO4 निकलता है, कैसा निकलता है, डिजायर्ड कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन हमने सोची हुई है उसी कंसंट्रेशन से वो क्या होता है, उसके अंदर बन के तैयार हो जाता है और बाहर आता है। तो थ्री स्टेप्स, पहला SO2 का बनना, SO3 में कन्वर्ट होना, और तीसरा हम लोग SO3 को डाल देते हैं H2SO4 में, और क्या देते हैं हमको, ऑयलियम देता है, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, कौन सा कैटलिस्ट है ये, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बोल सकते हैं, अदरवाइज कई बार ऐसा लिखा होता है 5, 5 इसका ऑक्सीजन नंबर है, इसकी वजह से वेनेडियम 5 ऑक्साइड, बुक में ऐसा लिखा हुआ है, मैंने ऐसा लिख दिया, अदरवाइज इसका नाम क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी प्रिपरेशन में से किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन टूटेंगे आओ देखते हैं, राइट डाउन द की स्टेप ऑफ H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग, है ना, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, की स्टेप पीछे करा दिया हमने, क्या था की स्टेप, स्टेप नंबर 2, नेम द कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस, बहुत बेसिक सवाल है, अभी अभी बताया मैंने, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या वेनेडियम 5 ऑक्साइड, मेंशन द कंडीशन विच फेवर मैक्सिमम यील्ड, ये देखो ये आता क्वेश्चन, मैक्सिमम यील्ड ऑफ H2SO4 इन कॉन्टेक्ट प्रेशर, तो क्या था इसका, एल टी एच पी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, याद आ गया। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन टूटते हैं, व्हाट हैपन व्हेन SO3 इज एब्जॉर्ब्ड इन कंसंट्रेटेड H2SO4, सॉरी यहां पर आ जाएगा, हाँ सॉरी यही है, SO3 होता है तो क्या बनता है यहां पर, H2S2O7, बोलो H2S2O7, H2S2O7, ऑयलियम, देखो करना पड़ेगा, करने से ही आएगा ये, तुम सोचो एक ही बार में पढ़ लो और हो जाए, क्या बना ये, ऑयलियम,
Why H2SO4 added to water slowly with कौन सा? अरे ये तो बच्चों वाला सवाल है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। H2SO4 बहुत तेजी से रिएक्ट करता है पानी के साथ, हाइड्रोजन गैस निकलती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लास्ट कर जाती है ना। तो H2SO4 को अगर पानी में डाल दिया तो पूरा पूरा H2SO4 एकदम से रिएक्ट कर जाएगा और क्या निकलेगा, ये रिएक्शन हम लोग एक सिंपल सा टर्म होता है, कहते हैं हाईली एक्सोथर्मिक। बहुत ज्यादा हीट निकलती है, एक्सप्लोड कर जाता है। क्या कर जाता है? एक्सप्लोड कर जाएगा, है ना, वो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है। या उसका उल्टा, व्हाई डोंट वी ऐड वाटर ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। H2SO4 को ऐड करते हैं वाटर में धीमे धीमे, फिर ये कह रहा है कि वाटर को पूरा एक साथ क्यों डाल देते हैं। तो देखो ऐसा होता है, ये थोड़ा क्वेश्चन, व्हाई डोंट वी ऐड वाटर इनटू H2SO4, H2SO4 के अंदर पानी क्यों डाल देते हैं। ऊपर वाला सवाल है H2SO4 के, यानी कि इस वाले सवाल में क्या है, वाटर बहुत ज्यादा है और हम लोग धीरे 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 साइडों से H2SO4 को क्या कर रहे हैं, स्लोली पोर कर रहे हैं ना। एड वाटर, H2SO4 एडेड टू वाटर, H2SO4 डाल रहे हैं। ये वाला केस क्या है, यहां पर कहना चाह रहा है यहां मेरे पास ढेर सारा क्या है, H2SO4 है और इसके अंदर हम लोग पानी को एकदम से क्यों नहीं डाल देते हैं। तो देखो पानी, H2SO4 बहुत सारा है, पूरे पानी में से एकदम से हाइड्रोजन को निकालता है, जो हाइड्रोजन निकलेगा पानी में से निकलता है, यहाँ पे धीरे धीरे डालेंगे तो धीमे 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 निकलता है, ठीक है ना। और ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, इस ग्लास को टच करोगे तो गर्म भी हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, एकदम डाल दोगे ब्लास्ट कर जाएगा, छपाक, एसिड निकला मुंह पे गिर गया तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, है ना, हाथ पैर जल सकते हैं, इसीलिए ये काम ऐसा नहीं करते हैं। पढ़ा होगा बचपन से, मतलब 9th-10th में सिखाते हैं, ये लैब में गए होगा तो वहां पे बताया होगा। खैर हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, Ka क्या होता है, Ka अगर किसी को याद हो तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर तो आता होगा, अदरवाइज नहीं आता होगा कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं क्या है। H2SO4 ये जब ब्रेक करता है तो H2SO4 में से दोनों H एक साथ नहीं निकलेंगे, एक एक करके निकलते हैं। तो पहले स्टेप में निकलेगा एक H+ और HSO4-, और यहां हम लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। Ka की जो वैल्यू होती है, यहां पे 1 डाल देते हैं, Ka1, तो वैल्यू हो जाएगी कंसेंट्रेशन ऑफ H+ और HSO4- का कंसेंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन रहता है, सीधी सी बात ये है। ओके, सेकंड में क्या होता है, अब ये वाले यहां से निकलेगा HSO4-, ये ब्रेक करेगा और ये क्या होगा H+ SO4-, ये बात समझ में आ रही है, SO4-, इसके लिए भी अगर मैं Ka की वैल्यू लिख देता हूं तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ, तो यहां पर क्या होगा Ka2, तो Ka2 दैट्स इक्वल टू H+ और SO4-, अपॉन HSO4-। तो देखो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, Ka2 की वैल्यू कम है, रीजन क्या है, यहां से जब H+ निकला था ये वाला मॉलिक्यूल मेरे पास कैसा था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है मेरे पास दिस इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से H+ का निकलना बड़ा आसान था, एक H+ निकल जाता है, ठीक है, लेकिन ये मेरे पास चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो गया, इस माइनस में से एक प्लस को खींचना है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना, माइनस में से प्लस को खींचोगे वो खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा H+ इसमें से नहीं निकल पाता है, तो यहां पर H+ की कंसेंट्रेशन थोड़ी सी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाती है, इसीलिए Ka1 की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा हो जाती है और Ka2 की कम रहती है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग कह सकते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ HSO4-, द H+ उतने अच्छे से नहीं निकल पाता है, बात समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सल्फेट एंड सल्फेट। ओके, नॉर्मल सल्फेट, देखो नॉर्मल इस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, नॉर्मल सल्फेट क्या हो गया, Na2, थोड़ा ये साल्ट हो जाएगा, ये हम लोग सल्फेट की बात कर रहे हैं, तो एक हो जाएगा NH, नहीं Na2
SO4, ये नॉर्मल सल्फेट है, ना तो एसिड ना बेस, सॉल्ट से बना हुआ है, एसिड सल्फेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaHSO4, ठीक है ना। एक हम देख सकते हैं यहाँ पर जब ब्रेक करेगा तो एक H+ का आयन निकलेगा, जब H+ आयन फर्निश होंगे तो वो कैसा बनेगा, एसिडिक सल्फेट कहलाएगा, और वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो बस यही कहानी है, नॉर्मल सल्फेट एसिड सल्फेट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। होता क्या है, बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, दे दिया नॉर्मल सल्फेट एसिड सल्फेट हलवा क्वेश्चन, बच्चे ने पढ़ा नहीं, गया काम से। आओ आगे देखते हैं, H2SO4 को हम लोग कहां डाल रहे हैं, एक तो समझ लो ग्लूकोज है, उसके ऊपर हम लोग डाल रहे हैं इसको। तो देखो यहां पर होगा क्या, यहां पर हमारे पास होता क्या है, ये जो है मेरे पास H2SO4 किसी लिविंग थिंग के ऊपर डाल दो, या जैसे ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डाल दो, तो हम लोग कहते हैं चेयरिंग इफेक्ट। उसको क्या करता है वो, उसको क्या करेगा वो, जलासा देता है, उसको क्या करता है वो, जला देगा उसको, ठीक है ना। और जलने के बाद क्या करेगा, यहां से सारे के सारे कार्बन तो हो जाते हैं अलग, प्लस साथ में बचे हुए किसमें बदल जाते हैं, H2O में, किसमें बदल जाएंगे, H2O में। इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग बाद में, ठीक है ना, कि H2O कितने, फिर यहां पे इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, वो बात बात की है। तो ये जो H2SO4 कार्बन, यानी कि जब डालते हैं काला काला सा पड़ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं चेयरिंग इफेक्ट। कैसा इफेक्ट आता है, चेयरिंग इफेक्ट कहा जाता है इसे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है, हम लोग को देखने को मिलता है जब हम H2SO4 को कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डाल देते हैं। बात समझ में आ रही है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सल्फेट एंड एसिड सल्फेट हो गया, और C12, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दिस इज 22 है, H12, H22 और O11, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट बैलेंस भी कर सकते हैं, आप उठा करके यहाँ 11 रख दो तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो चेयरिंग इफेक्ट क्लियर है, क्लियर है चेयरिंग इफेक्ट क्या होता है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, हमको ये चीज ध्यान रखनी होगी, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो नाइट्रिक एसिड, ये कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड से कम होता है, लेकिन दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, इससे इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ज्यादा है बट इससे कम है। तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ आ जाए, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन, किस किस के बीच में है, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये चीज हमको दिमाग में रखना है कि ये बीच में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इससे, अच्छा उसने तो इतना बोल दिया इंटरमीडिएट, बट ये नहीं बताया एनसीईआरटी में कौन ऊपर है और कौन नीचे है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये रही हमारे पास। अब व्हाट हैपन व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर सल्फर एंड कार्बन, तो सीधी सी बात है, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको अगर दिमाग में रख लोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अपने वो निकालेगा और दूसरे के ऊपर चढ़ा देगा, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम देख सकते हैं यहां पर इसका क्या है, यहां पर जीरो है, कलर चेंज कर लें, यहां पर कितना है इसका, जीरो है कॉपर का, और यह हम देख सकते हैं कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है। देन सल्फर यहां पर कैसा है, जीरो है, यहां कैसा हो गया है, प्लस का 4, ठीक है। तो यहां पे हम एक आइडिया ले सकते हैं, कॉपर का यहां पर आ जाता है मेरे पास CuSO4, तो यहां पर ये हो जाएगा प्लस का 2, ओके। देन ये कार्बन है, जीरो है, यहां पे कितना हो गया, प्लस का 4, तो देख सकते हैं हम लोग, अच्छा SO2, S का SO2, C का CO2, कॉपर का कॉपर सल्फेट, बाकी चीज देखो कि बड़ा आसान है, SO2 H2O, तो ये चीजें तो तीनों में ही हम लोग देख सकते हैं क्या है, बराबर है। तो देखो बच्चों, याद रखने का तरीका है कि कितनी चीजें रिएक्शन में हमारे पास बराबर मिल जा रही हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग रिएक्शन को याद रख सकते हैं। कॉपर का कॉपर सल्फेट, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, और SO2H2O तो सब में मिल रहा है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, तो SO2H2O तो सब में हमको मिल रहा है। तो बात समझ में आ रही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ओके नेक्स्ट लेक्चर आ गया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा ग्रुप 17 के ऊपर होगा, तो हम लोगों ने जो आज पढ़ा है
वो सल्फर के बारे में सारी बातें थी, और ग्रुप 16 हमारा पूरा पूरा कवर हो गया है, खत्म हो गया है। तो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से बार बार चाहो तो रिवाइंड करके देख सकते हो, या वन टाइम देख करके अपने एनसीईआरटी पे नोट कर लो। बिना एनसीईआरटी के ये लेक्चर्स मत देखना और पढ़ते रहना। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।